Yes, Muzaffar Hussain sir, the candidate of 145, Mira Bhayandar, Assembly, Congress candidate. ये अपना मनोगत व्यक्त करें। उन नर्मदा कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन मिस्टर एल कैस्टेलिनो, ट्रेजरर अली सैयद साहब, सेक्रेटरी साइबियो, ऑल कमिटी मेंबर्स, न्यू शिवांगनी कॉपरेटिव सोसाइटी के शिवमणि तिवारी जी, अशोक प्रभाकर रांजने, अशोक रांगने, विनायक रांगने, देवकी प्रजापति, हृदय नारायण सिंह, उपेंद्र जी शांति, थॉमस डिकोना, मुशीर भाई शेख, इस्माइल घारे, विशाल आर्य, मिस लूसी, कॉर्पोरेटर मरलिन डीसा, कॉर्पोरेटर अनिल सावंत, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और दोस्तों, अनिल सावंत और मरलिन डीसा ने आपको 145 मीरा भयंदर असेंबली के चुनाव के संदर्भ में बताया होगा कि 21 तारीख को ये चुनाव होने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये पता था कि 21 तारीख को असेंबली का चुनाव हो रहा है, करेक्ट कि नहीं? और आल्सो ये भी पता कि मैं कैंडिडेट हूँ, मालूम था क्या बात है? मैं जितनी जगह घूमता लोगों को पता ही नहीं रहता है कि इलेक्शन है, बोलते साहब काई का इलेक्शन है, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं रहता कि इलेक्शन है, उनको ये पता नहीं रहता है कि इलेक्शन असेंबली का है, कॉर्पोरेशन का है, कि लोकसभा का है। सो आई एम ग्लैड कि पीपल हु आर हियर आर वेल अवेयर एंड वेल वर्स कि इलेक्शंस आर देयर इन असेंबली एंड आई एम कॉन्टेस्टिंग दिस असेंबली इलेक्शन। इस शहर के अंदर मैं समझता हूँ आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है, पिछले 20 सालों से के करीब ऑलमोस्ट लास्ट 20 ईयर्स आप लोग इस सिटी में रहते हो, इस शहर में रहते हैं, और सभी स्टेट के लोग यहाँ पर रहते हैं, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, गोवा, आंध्रा, तमिलनाडु, यूपी, पूरा स्टेट, हिंदुस्तान के जितने स्टेट है सभी स्टेट के लोग यहाँ रहते हैं। मीरा भयंदर एक मिनी हिंदुस्तान है, और मुझे खुशी इस बात की है कि एक मिनी हिंदुस्तान और उसके बावजूद हिंदुस्तान में जो हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, कम्युनलाइजेशन हो रहा है, लिंचिंग हो रहा है, या जो कुछ भी हादसे हो रहे हैं उससे ये शहर थोड़ा हटके है, थोड़ा दूर है। पिछले 5 सालों में इस शहर के अंदर इस तरह का बनाने की भी कोशिश यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है उसने करने की कोशिश करी है, लोगों को समाज समाज में, भाषा भाषा में, प्रांत प्रांत में बांटने का प्रयास उन्होंने किया, गुजराती, जैन, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय, महाराष्ट्रीयन, ओबीसी, दलित, मगर उनको सक्सेस नहीं मिल पाया, क्योंकि बेसिकली इस सिटी का जो फाउंडेशन है वो कम्युनल हार्मनी के ऊपर बेस्ड है, और कम्युनल हार्मनी सर्वधर्म समभाव सेक्युलरिज्म के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ की क्योंकि कम्युनल हार्मनी सेक्युलरिज्म और फाउंडेशन अगर इस बात का मजबूत है तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। पिछले 5 सालों में इस शहर के अंदर करप्शन और इनजस्टिस के किस्से, कहानी न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया पे आप लोग सुनते आए हैं कि किस तरह से पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है, किस तरह से मीरा भयंदर महानगर पालिका में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, किस तरह से पूरे शहर में मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स को नष्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, और किस तरह से आपको हमको बहुत फक्र महसूस होगा, बहुत गर्व महसूस होगा कि हमारे प्रतिनिधि के ऊपर हाईकोर्ट केस रजिस्टर करने का आदेश करता है, जो कायदा बनाने के मंडल में जाता है, असेंबली को कायदा बनाने का मंदिर कहा जाता है, मंडल कहा जाता है,
वहां जो कायदा बनाने का काम करता है वो लेजिस्लेचर करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर करता है, और उसी मेंबर के ऊपर कायदा भंग करने का केस अगर हाईकोर्ट करता है तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा गुनाह उस व्यक्ति ने किया होगा। मैं नहीं समझता कि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग इस बात को जानते जानते नहीं जानते, सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते, महिलाएं नहीं जानती, जानती हैं, सब लोग जानते हैं। आवाज नहीं निकल रही है किसी की, मतलब इतना डरे हुए हैं आप लोग। एक व्यक्ति ने शहर में इतनी दहशत बना दिया है कि कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं है कि जानते नहीं जानते कि केस है, जानते नहीं जानते। नहीं आओ भाई, मुरली तुम जरा केक में खिलाया करो। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिसको पिछले 5 साल में इस असेंबली में से चुन करके भेजा एमएलए के रूप में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमने तो 30-35 साल इस शहर को दिए, मुझे बहुत टेम्परेचर है और थ्रोट इन्फेक्शन भी है, क्योंकि रात में आजकल सोने भी नहीं मिल रहा, मुश्किल से 1.5-2 घंटा सो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने इस शहर को 30-35 साल दिए, 20-21 सालों से शायद आप लोगों ने हमको देखा होगा, मिले शायद कम होंगे, मगर काम के माध्यम से शहर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसके जरिए आप लोगों ने हमको जाना होगा, पहचाना होगा, और इतनी गारंटी से आप भी कह सकते हैं और हम भी कह सकते हैं कि हमारे ऊपर कभी कोई इंसान ने, कोई परिवार ने, किसी समाज ने, किसी लोग ने, ना मुझ पे ना मेरे परिवार पे एक रुपए का इल्जाम कभी लगाया होगा कि इन्होंने किसी का 1 रुपया खाया, या किसी की जमीन खाई, या किसी को परेशान किया, या किसी को सताया, क्योंकि शहर बसाने का काम हमारे परिवार में हमने किया, जिसको मैंने कहा सेक्युलरिज्म, कम्युनल हार्मोनी, जिसके वजह से आप लोग इस मीरा रोड में आए, वरना आप लोग जिस वक्त आए आपको आने जाने का रास्ता भी नहीं था, था क्या? नहीं था। तो फिर मीरा रोड क्यों आए? मीरा रोड आप लोग आए इसीलिए, एक तो आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग यहां रहते थे, आपके रिश्तेदार लोग कोई शायद यहां रहते थे, या तो फिर आपने सुना ये शहर अच्छा है, 91 के दंगे में भी यहां कुछ हुआ नहीं, पूरा हिंदुस्तान में तकलीफ हुई मगर इस शहर में कुछ नहीं हुआ। यही कुछ बातें होती है, या तो कोई अपना वहां रहता है, या तो शहर अच्छा होता है, या तो शहर बनाने वाले अच्छे होते हैं, या तो कोई बिल्डर अच्छा होता है। यही मिली जुली बात होती है जब आदमी कोई चीज का फैसला अपने जीवन का करता है, और एक मकान लेना बोले तो जिंदगी का फैसला करने की बात होगी। मगर पिछले 5 सालों के अंदर एक व्यक्ति जिसको लोगों ने चुन के भेजा, उसने ना कि खुद का नाम खराब किया, बल्कि आज रोज जब पेपर में न्यूज छपती है उसका नाम बाद में आता है, पहला मीरा भयंदर लिख के आता है कि मीरा भयंदर के आमदार के ऊपर ऐसा केस रजिस्टर हुआ। Am I right or wrong? So do you feel proud about it? कि योर सिटी इज जस्ट गेटिंग डिफेम बिकॉज ऑफ वन सिंगल पर्सन, मतलब सिर्फ एक आदमी ने 15 लाख के लोगों की बस्ती को, शहर को बदनाम कर दिया, बदनाम कर दिया। मैंग्रोव का केस, टीडीआर घोटाले के केस, आप कहिए उस चीज का केस है, असेंबली के अंदर स्पीच उसकी हुई थी, असेंबली के अंदर स्पीच हुई थी, और उसमें उसने कहा कि मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। उसी वक्त 1 घंटे के बाद राष्ट्रवादी के प्रेसिडेंट जयंत पाटिल ने विद प्रूफ असेंबली में बताया कि इसके ऊपर 17 केसेस है। अब तो ऑनलाइन हो गया है, पब्लिक डोमेन में फॉर्म कल भरा है, तो उसमें आप देखिए 17 नहीं तो 22 केसेस है, कितने 23 केस है, मतलब 14 भी नहीं, 17 भी नहीं, 23 केसेस व्यक्ति के ऊपर। आपके जेब में से, आपको पता है
हर साल कितना पैसा की चोरी हुई है और कैसे हुई है। आप लोग हाउस टैक्स भरते हैं, उस हाउस टैक्स के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टैक्स इंक्लूडेड है, कचरा उठाने का टैक्स, मगर उसके बावजूद आपके ऊपर गार्बेज टैक्स लगा दिया गया 500 रुपया 500 रुपीज पर फ्लैट कम किया 50 रुपीज पर मंथ 600 रुपीज ऑन एन एवरेज आपका। तो ये पैसे करप्शन में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? हम लोग 2014 तक के इस कॉरपोरेशन में सत्ता में थे, गार्बेज उठाने का हम लोग 20 या 25 करोड़ रुपए का टेंडर निकला करता था, आज वो टेंडर 100 करोड़ का निकलता है। गार्बेज 2014 तक 450 मेट्रिक टन था, आज पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो 550 मेट्रिक टन है, तो 20% कचरा बढ़ा, तो पैसा कितना बढ़ना चाहिए था 20 के बदले 25% 30% टेंडर का, मगर बढ़ा कितना 100 करोड़ 300 टाइम्स। म्युनिसिपैलिटी इज अंडर डेफिसिट लोन ऑफ 750 करोड़ इन 5 ईयर्स लास्ट 5 ईयर्स टाइम, 5 साल में 750 करोड़ रुपए का डेफिसिट म्युनिसिपैलिटी में। पानी का बिल आप लोग 7 रुपया 10,000 लीटर का भरते थे 2014 तक, पानी शायद आपको उस मरतबा 1 घंटा आता होगा या 1.5 घंटा आता होगा या 2 आता होगा, अभी मेरे ख्याल से आधा घंटा है, पौना घंटा आता है, कितना 20 रुपये का। और टैक्स उस वक्त था 7 रुपया पर 10,000 लीटर, नाउ हाउ मच इट इज, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी, इट इज 14 रुपीज नाउ सिंस 2014, 7 रुपए का 14 रुपया हो गया, पानी जो आता था आधा हो गया, कचरा उठता नहीं है, कचरे का टैक्स 3 गुना हो गया, आपके जेब का पैसा जा गया। पॉटहोल्स का एक लिमिटेड पैचवर्क का टेंडर निकला करता था, अभी पैचवर्क और टेंडर के टेंडर 50-50 करोड़ के निकलते हैं। और रास्तों की हालत कैसी है कि बोर्ड लिखा जाता है, मुझे गर्व है मेरे शहर में कॉन्क्रीट के रास्ते हैं। आप बिल्डिंग में गैस की पाइपलाइन है, रामनायक मंत्री थे, सॉरी रामनायक नहीं, ये कांग्रेस के मंत्री थे, उनके टाइम पे हमने पाइपलाइन मीरा रोड के अंदर पहले से बोरीवली तक थी, धईसर तक थी, तो गैस पाइपलाइन हम लोगों ने पूरा करवाया। मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए गैस पाइपलाइन को, ऑलमोस्ट 10 to 12 years। बोर्ड क्या लगाया है शहर के अंदर, एक महिला का बोर्ड लगाया है, मुझे फक्र है मेरे घर में गैस आ गया। वो लेडी रहती है 20 माले पे भयंदर में इंद्रलोक में 20th floor। अब 20 माले में रहने वाली लेडी अपने घर में के लकड़ी का चूल्हा जलाती थी, मैं आपको जितने मुझे गर्व के जो बोर्ड है ना उसके ऊपर की कथा सुना रहा हूं। बच्चों के प्लेग्राउंड, मुझे बताइए नया प्लेग्राउंड कहां बना, शांति नगर के जितने प्लेग्राउंड हमने बनाए थे इन्होंने जेसीबी लगा करके तोड़वाया, कम्युनिटी हॉल बनाने के नाम पे। सेक्टर 6 का बंद हो गया, बच्चों को खेलने की जगह नहीं, 5 में खेलने को जगह नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, यहां पर हमने, हमको 15-20 साल लगे प्लेग्राउंड बनाने के लिए, अस्मिता कॉलेज के पीछे अब्दुल कलाम हमने उसका नाम दिया, वहां पे बीच में पानी की टाकी बना दी, एक साइड में कम्युनिटी हॉल बना दिया। कम्युनिटी हॉल का टेंडर इनके आदमी लेते हैं, प्रमोद महाजन का सभागृह उसका टेंडर इनके आदमी लेते हैं, भयंदर ईस्ट में हम लोगों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था उसका टेंडर ये लोग लेते हैं। टेंडर लीजिए कोई भी ले सकता है मगर एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस, एंड हु इज पेइंग फॉर दैट, टैक्स पेयर्स। लोग बोलते हैं कि साहब ये तो इलेक्शन में 25-50-100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, मतलब कौन सा खुद का करने वाला है, पब्लिक के जेब से पैसा निकाला है, पब्लिक को चार आना चीरी मुरी देगा, लोग भी खुश कि हमारी सोसाइटी को कलर लग गया, पेंट लग गया, मंदिर को पैसा मिल गया, मस्जिद को मिल गया, गुरुद्वारे को मिल गया, हमको देव दर्शन के लिए पैसा मिल गया। आजकल अंकल लोग जो है इसी तरह से, पॉलिटिशियंस ने भी शायद सिखा दिया इसी, और लोगों ने भी पॉलिटिशियन को सिखा दिया, तो ये इस तरह से डकैती का काम चल रहा है ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम पूरा हुआ, हम लोगों ने 50 परिवहन की बसेस थी, आज सिर्फ 10-12 बसेस दिखती है कि आपको म्युनिसिपैलिटी की बसेस स्टेशन के पास। आप लोगों ने ट्रैवल किया पिछले 2-3 साल में,
मगर मुख्यमंत्री यहाँ आए, उन्होंने बोर्ड लगाया कि बसेस का हमने उद्घाटन किया, बस लापता। पानी का उद्घाटन किया, पानी 24 घंटा मिलेगा, पानी लापता। डंपिंग ग्राउंड लापता। 5 साल पहले तक के जो फर्स्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बिल्डिंग हमने बना करके छोड़ी थी, उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ। इनकम्प्लीट बिल्डिंग, कोर्ट की बिल्डिंग आज भी पड़ी हुई है। पुलिस कमिश्नरेट एरिया की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी, हमको 20 साल हमने उसको फॉलो किया है, तब जाके पुलिस कमिश्नरेट डिक्लेयर हुआ। वो भी हम ये चाहते थे कि मीरा भयंदर को थाने पुलिस कमिश्नर के साथ ऐड किया जाए, ना कि वसई विरार के साथ, क्योंकि वसई विरार इज नाउ अ डिफरेंट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट पालघर। मगर इस गवर्नमेंट ने और यहाँ के लोग प्रतिनिधि ने इतनी बड़ी दिमाग चलाया, इतना बड़ा अक्कल लगाई है कि पुलिस कमिश्नर एंड आपको पालघर एंड थाने दोनों जगह भागना पड़ेगा। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अलग हो गई और आपको यहां से वसई जाना पड़ेगा। तो ये 20 साल का प्रस्ताव था। आपको जब भी किसी को देखने का होगा, आप मेरे दफ्तर आ सकते हो, करस्पॉन्डेंस देख सकते हो। 9 साल मैं असेंबली में था, असेंबली के मेरे कॉलिंग अटेंशंस देख सकते हो, मोशंस देख सकते हो, क्वेश्चंस देख सकते हो, गवर्नमेंट के रिप्लाईज देख सकते हो। कोई भी चीज ओवरनाइट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। पालघर का डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करने के लिए हमको 8 साल लगा। पृथ्वीराज चौहान साहब सीएम थे, उनके पीछे लग लग के अशोक विलास राव जी के टाइम से हमने स्टार्ट किया था। पृथ्वीराज चौहान साहब के पास जाने के बाद उस टाइम पे हमको डिस्ट्रिक्ट हम बना सके। तो कोई भी शहर ओवरनाइट नहीं बनता है, उसे बनाने के लिए कई साल लगते हैं। टोल नाका, आपके हमारे शहर पे जो दहीसर टोल नाका है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, इनके मैनिफेस्टो में था कि हम टोल नाका हटाएंगे। हट गया क्या टोल नाका? मुंबई के एंट्री पॉइंट्स पे 5 टोल नाके हैं, वो हम सब हटाएंगे। कोई एंट्री पॉइंट का टोल नाका नहीं हटा। हटाए क्या? नहीं हटा। मीरा रोड से मीरा रोड स्टेशन का डेवलपमेंट आप लोगों ने देखा है, किसने किया वो भी आपको पता है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी के अंदर उद्घाटन कोई भी करता है, जो सत्ता में रहता है उसका उद्घाटन करता है, हमको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा रोड लोकल चलाने के लिए, मीरा रोड से लोकल चालू करने के लिए ये हमारा भी आगे का निर्धार है, मेरा प्रोग्राम है। बोरीवली टू विरार हमको 6 ट्रैक बनानी है। लास्ट 15 ईयर्स आई एम कंटिन्यूसली परसुइंग द मैटर एंड लेट मी टेल यू इट इज वेरी मच इन द पाइपलाइन एंड इट विल बी डन। द मूवमेंट 6 ट्रैक हो गई, मीरा रोड लोकल इज आवर टारगेट, के मीरा रोड से लोकल शुरू होनी चाहिए। भाईंदर से जो हमारी महिला लोकल ट्रेन है उसके अंदर 5 साल में कोई वृद्धि नहीं हुई। भाईंदर से लोकल ट्रेन में कोई वृद्धि नहीं हुई। लिंक रोड दहीसर टू भाईंदर का लिंक रोड 2014 में जो हम लोगों ने पृथ्वीराज चौहान के वक्त मंजूर कराया था, उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। इस तरह से इस शहर के अंदर का किसी काम में जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एमएलए से रिलेटेड है, असेंबली से रिलेटेड है, देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस एट ऑल। सो माय टारगेट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इज to start Mira Road local, to get increase in numbers of train from Bhayandar, to get increase in Mahila local special train, to pursue and see that the Tol Naka is out of the this thing. You have to get more water for you, remove the garbage tax. So this my manifesto, if you people go through it, आप लोग अगर इसको देखोगे, पढ़ोगे और समझोगे तो आपको पता लगेगा कि शहर से रिलेटेड जो पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ है वही थम गया है, और उससे ज्यादा जो शहर की जरूरतें हैं वो पूरा करने का निर्धार हमने किया है, और इसके लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। ये चुनाव मैं इसलिए लड़ रहा हूं, ये चुनाव मैं मंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। ये चुनाव मुझे कोई बहुत बड़ा बनना है इसके लिए नहीं लड़ रहा। मैं 3 बार कॉर्पोरेटर रह चुका हूं, डिप्टी मेयर रह चुका हूं, 9 साल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुका हूं। राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के हाथ से बेस्ट स्पीकर, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिल चुका है। मगर जो काम अधूरे रह गए, क्योंकि शहर हमारा है और ये शहर में रहने वाला हर व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य हम मानते हैं। 3 साल, लास्ट 3 ईयर्स मैं बेड रिडन था, मेरे स्पाइन की 3 सर्जरी हो गई, और इतनी मेजर सर्जरी हुई अभी
कि फ्यूजन सर्जरी हुई है जिसमें मेरे स्पाइन में अभी प्लेट्स लगे। डॉक्टर डजंट एडवाइज मी टू मूव द वे आई एम मूविंग, माय फैमिली इज नॉट रेडी दैट आई शुड कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन। लेकिन साल भर जब मैं बेड पे था, शहर में से लोग जब मुझे मिलने आते थे और मुझे यहाँ की दुख भरी कहानियां परेशानियां सुनाते थे, उस वक्त बेड के ऊपर, हॉस्पिटल के घर के बेड के ऊपर मैंने निश्चय किया कि ये चुनाव मैं लड़ूंगा और ये शहर को जो बर्बादी की तरफ जा रहा है उसे बचाने का काम मैं करूंगा। फैसला आप लोगों के हाथ में है। आने वाले 21 तारीख को आपको कांग्रेस के सिंबल पे बटन दबा करके मुझे बहुमतों से चुन करके भेजना है, ताकि आप और हम सब मिलकर के आपके हमारे शहर को एक बेहतर और सुंदर शहर बनाए। पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, हर चीज, मतलब आप बात उठाइए तो आपको प्रॉब्लम नजर आती है। शहर में प्रॉब्लम सभी जगह होती है, मगर ये डिटोरिएट हो गई कंडीशन। पिछले 5 सालों में शहर की कंडीशन जो है डिटोरिएट हो गई है, और इसको हमको सुधारना है, सही करना है, ताकि फिर से कोई अखबार, कोई सोशल मीडिया ये ना लिखे कि मीरा भयंदर का एमएलए, उसके ऊपर गुनाह का केस रजिस्टर हुआ है, उस पर मैंग्रोव कटिंग का केस रजिस्टर हुआ है, उसके ऊपर एंटी करप्शन का केस रजिस्टर हुआ है। ये इस तरह की बातें जब मैं पेपर में पढ़ता हूँ तो मुझे शायद बहुत ज्यादा दुख होता है कि मेरे शहर का नाम बदनाम हो रहा है, मेरे शहरवासी बदनाम हो रहे हैं, हम सब बदनाम हो रहे हैं, और सिर्फ एक आदमी की वजह से। तो आने वाले वक्त में 21 तारीख को आप सब लोगों से गुजारिश है, विनंती है, रिक्वेस्ट है, हम लोग सिर्फ 50% वोटिंग करते हैं, 50% पब्लिक वोटिंग ही नहीं करते। मैंने आज सवेरे ही मजाक में, कोई सोसाइटी, कौन सी थी सोसाइटी, हो सबने जब गया था धरती कॉम्प्लेक्स में, आप में से शायद कोई था उधर, मैंने कहा कि इलेक्शन के दिन जब पार्टी वर्कर्स, पॉलिटिकल वर्कर बिल्डिंग में जाते हैं तो पहले तो लोग दरवाजा नहीं खोलते, और जब खोलते हैं तो गुस्से से बोलते हैं अभी तो पानी आया, पहले पानी लाके तो फिर वोट करेंगे। कोई दूसरा बोलेगा अरे भाई अभी उठा हूं, अभी नाश्ता करता हूं, अभी आता हूं, अभी जरा ब्रेकफास्ट करता हूं फिर आता हूं। फिर कोई बोलेगा अरे मास में जाके आता हूँ, फिर कोई बोलेगा मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर कोई बोलेगा मैं अभी जरा बाजार लेके आता हूँ, फिर कोई महिला बोलेगी अरे अभी मैं मार्केट से अभी खाना बना रही हूँ, फिर कोई बोलता है कि अभी हम खाना खा रहे हैं, फिर खाना खा के अभी जरा आराम करने का टाइम है, घड़ी घड़ी आके क्यों परेशान कर रहे हो, फिर उठते हैं चाय पीते हैं, फिर स्नैक्स खाते हैं, 5 बजे नीचे उतरते हैं, होली क्रॉस में जाते हैं, देखते बहुत लंबी लाइन है, सोचते थोड़ी दुकान में नाके तक जाके वापस आता हूँ, वहां से वापस आते जब तक आगे का गेट बंद हो गया होगा। तो पॉलिटिकल वर्कर भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, जाकर के कितनी बार किसी को कोई बोलेगा। तो अगर आप वोट करने जा रहे हैं, आपको जिसको चाहिए उसको कीजिए, मगर वोट जरूर कीजिए। पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, सिर्फ 50 करोड़ लोग वोट करते हैं, और जिस पार्टी को 15% और 20% वोट मिलता है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में राज करते हैं इस देश के अंदर। ये और हम छाती फैला करके बोलते हैं, खुद की पीठ थपथपा के बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है, तो हम हैं, और सबसे लोएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटर कौन है इसकी चर्चा हम नहीं करते, क्योंकि फिर अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखने को सबको शर्म आती है। तो इसीलिए वोटर वोटिंग ये आपका डेमोक्रेटिक अधिकार है, आपका ये लोकतंत्र का अधिकार है, इसका इस्तेमाल कीजिए। 21 तारीख को कांग्रेस के सिंबल पे बटन दबा करके मुझे बहुमतों से विजय बनाइए, यही मैं विनंती, रिक्वेस्ट करने आप लोगों के बीच आया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।